Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today in class 10th CBSE NCERT book chapter pair of linear equations in two variables exercise 3.6 question 1 part 8 को solve करेंगे. इसके all parts हम previous videos में solve कर चुके हैं. आप उन्हें भी watch कर लें ताकि आपको ये question अच्छे से समझ में आ सके. So question is solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. ये जो आपको दो equation given हैं इन्हें आप पहले reduce करिए linear equation में, क्योंकि ये जो इक्वेशन अभी आपको गिवन है ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है. तो पहले हम लीनियर इक्वेशन में इन्हें कन्वर्ट करेंगे. जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे. ये जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, बट इस इक्वेशन में यहाँ पे देखिए 1/2 एंड 1/2 बोथ इक्वेशन में कॉमन था, तो मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके इसलिए मैंने पहले ही कर लिया. यहाँ से देखिए 1/2 और यहाँ पे है 1/8. ठीक है, 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4. तो 1/2 एंड 1/2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से 1/2 कैंसिल, 1/4 आपको बचेगा, यानी कि 2 × 4 = 8 होता है. ओके, सो ये जो है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये हो जाएगी आपकी 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू -1/4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बोथ इक्वेशन में सेम है, तो हम क्या करेंगे इसे लेट कर लेंगे. ठीक है, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड यहाँ पे देखिए 1/3x माइनस वाई एंड 1/3x माइनस वाई बोथ इक्वेशन में कॉमन है, सो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी. हम इसे भी क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे. ठीक है, पुटिंग 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी इन इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, पुट कर दीजिए अभी वैल्यू. देखिए 1/3x प्लस वाई के रिप्लेस पे हम यू पुट करेंगे, सो इस इक्वेशन में यू प्लस 1/3x माइनस वाई के रिप्लेस पे वी पुट करेंगे, वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे. एंड यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लीजिए 1/3x प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा यू माइनस 1/3x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका वी इक्वल्स टू में -1/4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर, सॉरी ये आपकी 3 इक्वेशन है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, अभी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. आपको जो भी अच्छे से आता हो आप उसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u प्लस v इक्वल्स टू 3/4 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड u माइनस v इक्वल्स टू -1/4. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, यहाँ पे देखिए जो v है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये डायरेक्टली आपका टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बाकी जो इक्वेशन में हो रहा होगा वो हम कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका, u प्लस u ये ऐड होकर 2u इक्वल्स यहाँ पे 3/4 -1/4, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया. ठीक है, अभी ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन की तरह हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए,
2u इज इक्वल्स टू, अगर आपका जो बेस होता है ठीक है वो सेम होता है तो हम केवल उसे नोट कर लेते हैं, और ऊपर जो भी हो रहा होता है वो हम करते हैं। सम हो रहा होता है सम करते हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 3 7 को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके सो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 2u इक्वल्स टू, 3 से -1 करेंगे तो 2/4, 2 1 2, 2 2 4। ओके अभी यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है 2u = 1/2, यानी कि 2u = 1/2। बट हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, यहाँ से u की वैल्यू चाहिए। सो u के इनटू में जो ये 2 है इसको आप अनदर साइड के डिनोमिनेटर में सेंड कर दीजिए, तो दैट इम्प्लाइज u = हो जाएगा 1/2 × 1/2। इसे भी सॉल्व कर लीजिए, u = 1/4। यहाँ से आपने क्या किया है, अभी u की वैल्यू को फाइंड कर लिया है ठीक है, u की वैल्यू आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली है, दैट इज योर 1/4। अभी हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुटिंग u = 1/4 इन इक्वेशन 4, ठीक है इक्वेशन 4 में पुट करिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 है आपकी, u - v = -1/4, u की जगह पे हम 1/4 को पुट करेंगे, पुट कर दीजिए 1/4 पुट कर दिया, माइनस में है v आपके, इक्वल्स टू में है -1/4। ओके अभी यहाँ से देखिए 1/4 को हम अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कर दीजिए -v = हो जाएगा -1/4, एंड ये पॉजिटिव था अनदर साइड पे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया तो हम सेम वही करेंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए -v = हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, वन टाइम नोट कर लेंगे जो भी ऊपर हो रहा होता है। यहाँ पे देखिए देखिए -1 एंड -1 ऐड होकर हो जाएगा आपके पास -2, सो दैट इम्प्लाइज -v = आपके पास आ जाएगा -2/4, 2 1 2, 2 2 4, एंड आपका देखिए माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे हम। अभी आपकी फाइनल यहाँ से जो v की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1/2, v की वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज 1/2 ठीक है। u एंड v की वैल्यू आपने क्या कर लिया है, अभी फाइंड कर लिया है। बट हमें u एंड v की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी है, हमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिख किया था 1/3x + y = u, तो अभी यहाँ पे हम u एंड v की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट। सो देख लीजिए अभी 1/3x + y, 1/3x + y = u ठीक है। u की वैल्यू देखिए यहाँ पे है 1/4, पुट करेंगे हम यहाँ पे 1/3x + y = 1/4। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 4 हो जाएगा, 3x + y 1 3x + y ही रहेगा आपका, यानी कि 3x + y = 4 ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अनदर जो आपकी इक्वेशन है जिसे हमने लेट किया था 1/3x - y = v, 1/3x - y = v, v की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास 1/2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए नाउ 1/3x - y = 1/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 2, एंड 3x - y ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वही रहेगा, यानी कि 3x - y = 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 ठीक है। अभी ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई है ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगेन सॉल्व करेंगे। नाउ बाय एलिमिनेशन
मेथड, हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए 3x + y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x - y इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जो y टर्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 3x + 3x ये हो जाएगा आपके पास 6x इक्वल्स टू 4 + 2, दिस इज योर 6। यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए। सो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 6/6, 6 × 6 कैंसिल आउट, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 1। ओके, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई है वो आपके पास कितनी आई है, 1 आ गई है। ठीक है, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5। ओके, इक्वेशन 5 में पुट करिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5 है आपकी 3x + y = 4। सो 3 × 1 + y = 4, 3 × 3 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू 6 तो इसको हम अदर साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, y = हो जाएगा 4 - 3, दैट इम्प्लाइज y = 1। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। हमें x और y की वैल्यू मिल गई है,